राम बेनीवाल ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कौशल्या देवी को 340 मतों से पराजित किया है और नवनिर्वाचित सरपंच रूपराम बेनीवाल ने सभी मतदाताओं का आभार जताते हुए बताया कि गांव में काफी मूलभूत प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है जिनका तत्परता से प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करवाया जाएगा। पेयजल सड़क व चिकित्सा सुविधाओं में भी विस्तार किया जाकर गांव का मॉडल गांव के आधार पर अभूतपूर्व विकास करवाया जाएगा। स्वच्छ ईमानदार व पारदर्शी गांव की सरकार के साथ सबको साथ लेकर सबका विकास करवाएंगे। अति पिछड़ा वर्ग व निर्वधन परिवार के लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। नवनिर्वाचित सरपंच रूपराम बेनीवाल की जीत पर गांव में खुशी का माहौल है तथा चारों ओर से सरपंच के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। बना दियो काल के बनाया दुडनियंग है ठाकरांग है सुरेंद्र पुनिये वो सुरेंद्र सब ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का आभार मेरा चुनाव करने के लिए और जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उनकी तरफ से सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी काम मिलेगा। नरेगा, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, गांव की पेयजल व्यवस्था, रोशनी, जितनी भी योजनाएं हैं मैं पूर्ण पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करता रहूंगा 5 साल तक। सर आगामी क्या विकास योजनाएं आपकी रहेगी, जो मुख्य गांव की क्या समस्या है जिनका आप प्राथमिक आधार पर तय करेंगे? मुख्य गांव की समस्या है पेयजल। पेयजल के लिए कुछ दिक्कतें हैं गांव में, तो वो प्राथमिकता लेंगे। और वैसे सड़क है, जो भी कमियां होंगे जैसे शिक्षा संस्थान हैं उनमें कोई कमी है तो उनकी पूर्ति करवाएंगे। आगामी 5 साल में आप गांव में काफी देखने मिलते हैं कि विकास कार्य होते हैं पर जो भ्रष्टाचार की ब्रांड चल जाते हैं, आपका कैसा प्रशासन रहेगा, शासन कैसा? मेरा एकदम स्वस्थ प्रशासन रहेगा,